नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आई एम डॉक्टर संजय कालरा, योर फ्रेंडली एंड फेमिलियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केकेज मेड टॉक्स मंडेज विद डॉक्टर संजय कालरा. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 968th एपिसोड है. लेट्स हैव द हेडलाइंस फॉर टुडे. Now, according to research from across India, kidney stones are rising in prevalence amongst kids and teenagers, especially amongst girls. I wonder why. And as per another study, increased sugars in diet increase the risk of kidney stones. So this was new for me as well. हमें ये तो पता था कि ज़्यादा चीनी खाने से वजन बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज भी खराब होती है. But these added sugars actually increase the risk of kidney stones as well. There are many drugs, however, which can thwart kidney stone development, and keeping good hygiene, good hydration helps you reduce the risk of kidney stones. Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors, SGLT2 inhibitors, ये दवाइयाँ हैं जो diabetes में, kidney disease में और heart failure में इस्तेमाल की जाती हैं. They reduce the risk of stone development in type 2 diabetes. And data suggests that the use of magnetic hydrogel integrated into laser therapy can help in kidney stone removal. Let's see what our topic is for today. अरे वाह, किडनी स्टोन्स, ये हमारा टॉपिक है आजकल. एंड इंट्रोड्यूस करते हैं आवर फैबुलस एंड फिट यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित कठवालिया. वार्म वेलकम डॉक्टर रोहित, वेलकम बैक टू द शो. थैंक यू सो मच सर, एंड वार्म वेलकम टू यू आल्सो, एंड गुड इवनिंग dear viewers and dear friends. Thank you. Dr. Rohit has been with us before on the show. He is a distinguished urologist working at Karnal in Haryana. Ye hamare ruhani rehbar hain, hamare ruhani rehbar. He is our spiritual guide, and that you can make out. But apart from being a ruhani rehbar, he is also a very good urologist, and he works on kidney stones, prostate health. डॉक्टर कठपालिया की खासियत क्या है? दैट ही हैज ब्रॉट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, कटिंग एज सर्जिकल टेक्नोलॉजी टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, एंड हिज पेशेंट्स प्रेज हिम फॉर नॉट ओनली हिज स्किल इन सर्जरी और इन मेडिकेशन, बट ऑल्सो फॉर द वे ही स्पीक्स. तो जब आप डॉक्टर कठपालिया के यहाँ जाएंगे तो यूजली यू विल फाइंड द पेशेंट सेइंग के हमारी 90% बीमारी ठीक होगी डॉक्टर साहब से बात करते हुए. थैंक यू सो मच सर, दैट्स माय प्रिविलेज hearing so positive about me, and hopefully I will continue the same. Thank you sir. And lots of people logged in today. Anoop Shukla ji hain, Dr. Siddharth Dhangar is from ye bhi hamare ruhani rehbar hain, mutual mentorship hota hai. Dr. Siddharth is from Mathura, and Dr. Ramesh Pal Singh Tiwari hamare senior pediatrician hain from Saharanpur. Rupesh Dio ji bhi hain, Ganesh Ambore ji has logged in. और पहला क्वेश्चन ये है कि स्टोन क्या होते हैं सर? पत्थर तो हुआ जो हमें सड़क पे दिखाई दिया, तो ये किडनी में या बॉडी में कहाँ से पत्थर आते हैं? और सारे पत्थर किडनी में ही होंगे क्या, या अलग अलग जगह हो सकते हैं? नहीं, चलिए सर, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि बीइंग अ यूरोलॉजिस्ट हम लोग तो किडनी स्टोन ही देखते हैं, एंड मोस्टली ये स्टोन किडनी में जो बनते हैं वो यूरोलॉजिस्ट के पास ही आते हैं. बट यस, कुछ कुछ स्टोन्स ऐसे भी हैं जो बॉडी के और भी पार्ट्स में होते हैं. लाइक एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, पित्त की थैली में पत्थर, जो वो भी बहुत कॉमन है, इनफैक्ट एज कॉमन एज किडनी स्टोन्स. और इसके अलावा कुछ कुछ और भी जगह पे स्टोन्स बन जाते हैं, लाइक पैंक्रेटिक डक्ट स्टोन्स बोलते हैं, वो होता है जहाँ जहाँ पर बॉडी की सिक्रीशंस या फ्लूइड होता है वहाँ पर स्टोन्स के हमेशा बनने के रिस्क रहते हैं. सेलिवरी ग्लैंड स्टोन्स, कुछ कुछ ग्लैंड्स के अंदर भी स्टोन्स बनते हैं. तो स्टोन्स कई पार्ट में बॉडी के बन सकते हैं, बट प्राइमरी अगर देखा जाए तो ब्रॉडली दो दो मेन ऑर्गन्स, गॉल ब्लैडर एंड किडनीज, ये दो हैं जो कि स्टोन्स बनाते हैं. दूसरा, जो आपने स्टोन के बारे में पूछा कि हाँ क्या ये वही पत्थर होता है जो आम सड़कों पे मिलता है, ऑफकोर्स वो तो नहीं होता, पर अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक या शेप देखें, इसको क्यों स्टोन बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोन जैसे ही दिखते हैं. और जब हम इनका सर्जरी के बाद ऐसे कभी भी हम सैंपल या पीसेस देखते हैं तो इट ऑलमोस्ट अपीयर्स लाइक अ स्टोन, तो इसीलिए इनको स्टोन्स बोलते रहे हम, या पत्थरी की बीमारी बोली.
और ये ऐसा नहीं है कि उन स्टोन्स की वजह से होते जो बाहर दिखता है या उनके साथ हमारे बॉडी का कोई रिलेशन है, ये एक इनहेरेंट बॉडी की प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है जिसमें ये स्टोन पैदा होते हैं, बनते हैं बॉडी के अंदर। वो मैं आपको बाद में अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि ये स्टोन्स क्यों बनते हैं या क्या कारण है, बट कारण ज्यादातर हमारा जो ये स्टोन्स जो यूरोलॉजिस्ट हम देखते हैं वो प्रोडक्शन बॉडी के अंदर ही होता है, कहीं इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं। तो पथरी जो है वो बॉडी के अंदर ही बनती है, क्योंकि माहौल या वातावरण ऐसा होता होगा बॉडी का कि पथरी ज्यादा बने। हाँ मतलब बहुत सारे इनहेरेंट कॉज भी हैं जो बॉडी के अंदर के प्रॉब्लम्स होती है, और बहुत सारे आउटर कॉजेज भी हैं, मतलब एनवायरमेंटल या सराउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। तो दोनों कारण होते हैं जिसकी वजह से स्टोन्स के चांसेस एक हमारा जो एक पेशेंट है वो बनाता है। तो अगर हम कॉजेज में जाएंगे या डिटेल में जाएंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि हाँ एक इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम है, एक पेशेंट पर्टिकुलरली क्यों बार बार स्टोन बनाता है, और उसका ज्योग्राफिक या बाकी डाइटरी फैक्टर्स या और सराउंडिंग फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी हैं जो स्टोन बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब उसको प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर्स में आते हैं वो। एक क्वेश्चन जो पूछते हैं, एंड बड़े सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट रुपेश दियो जी पूछते हैं, आई हैव अ किडनी स्टोन बट नो पेन, सो कैन द स्टोन बी लेफ्ट फॉर सेवरल इयर्स, डू ऑल स्टोन्स नीड टू बी ट्रीटेड? अगर हम स्टोन्स के सिम्टम्स में जाएं सर, तो इट इज ऑलवेज दैट मोस्टली 80-90% स्टोन्स आर पेनफुल, और उनका प्रेजेंटेशन पेन के साथ ही होता है, और साथ में कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन में जलन होना, इन्फेक्शन होना, यूरिन में ब्लड आना, तो पेन उनमें से एक वन ऑफ द लीडिंग प्रेजेंटेशन होता है हमारे पास पेशेंट जब भी आते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि बगैर पेन के भी किसी पेशेंट्स में स्टोन्स के पॉसिबिलिटी रहती है, तो उनको पता नहीं चल पाता कि वो किडनी में स्टोन लेके चल रहे हैं कहीं पर। कई बार इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है, मतलब अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से कराया गया और उनकी किडनी में स्टोन पाया गया, तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ता है कि वो स्टोन के कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि रियली डू दैट स्टोन नीड सम ट्रीटमेंट। ज्यादातर जो छोटे स्टोन्स होते हैं, अगर उनके हम साइज का डिफाइन करें, 4 से 5 mm के स्टोन्स होते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स होते हैं, मतलब कि वो किडनी के एक ऐसे जगह पड़े होते हैं जहां पर रुकावट नहीं करते, किडनी के कॉर्नर में, चाहे लोअर पार्ट में या मिडिल पार्ट में, तो बहुत बार इन स्टोन्स को कभी छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होता है। कुछ मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बट उनका हमें निकालने की या उसका ट्रीटमेंट हमें तब तक नहीं जरूरत पड़ता जब तक वो कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे कि पेन हुआ या यूरिन में कोई और तकलीफ हो रही है, जलन, इन्फेक्शन या ब्लड आना, तो पर्टिकुलरली ऐसी कंडीशंस में ही तब स्टोन का ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। नहीं तो जैसे इन्होंने बताया वो साइलेंट स्टोन्स हैं और उनको कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, तो हो सकता है अगर वो छोटे हैं तो उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत भी ना पड़े। और ये भी कहा जाता है, रेखा बटाला जी, अरुणा त्यागी मैडम लॉग इन है, कि कई बार ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वाले कहते हैं कि हमारी दवाई से स्टोन घुल जाता है, तो नॉर्मल प्रक्रिया में भी क्या वो स्टोन वैसे भी घुल जाता है? इज इट नेसेसरी कि हर एक स्टोन जो है वो हमेशा जम गए, या कभी कभी हमारे अल्ट्रासाउंड वाले जो कलीग्स हैं वो बोलते हैं कि रेत है अंदर, कंक्रीशन है, तो वो रेत कई बार खुद भी घुल जाती है क्या? नहीं, वो अपने आप से कभी नहीं घुलेगी। जिनको एक बार स्टोन बना है या तो वो स्टोन पास आउट हो जाएगा या किसी ट्रीटमेंट से ही वो घुलेगा, नहीं तो बहुत बार जनरली हम यही पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको कुछ डाइट का, पानी का, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जो ये एक बार स्टोन्स बन गए वो बढ़ेंगे ही, वो साइज में भी बढ़ते हैं और कई बार मूव भी करेंगे कि अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पहुंच गए, तो वो स्टोन्स जब किडनी में एक बार बन गए तो अपने आप से कभी नहीं घुलेंगे, ना वो किसी अपने किसी डाइट या किसी चीज से उसको हम चेंज कर पाएंगे। सिर्फ उसका तरीका ये है, या तो उसको रिमूव करना पड़ता है दवाइयों द्वारा या सर्जरी द्वारा, या हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि वो आगे बढ़े ना। तो स्टोन्स एक बार जब बनते हैं तो वो छोटे स्टोन्स, चाहे 4 mm 5 mm के हो या कंक्रीशन, वही रेत के कण से जो होते हैं, वो ज्यादातर एक बार डिपॉजिट जब हो जाते हैं तो वहीं पर ही मोस्टली हमेशा के लिए वहीं रह जाते हैं। थैंक यू सर, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन तो हम एक्नॉलेज करते हैं अनूप शुक्ला जी का, जिनको शुगर की वजह से न्यूरोपैथी और रेटिनोपैथी भी है, और पैंक्रियाटाइटिस, थायराइड भी था। अब वो कहते हैं कि किडनी की सुरक्षा के लिए मैं क्या करूं, तो डॉक्टर रोहित, अगर इसी क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं, आप यूरोलॉजिस्ट हैं, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनी की या यूरिन के रास्ते की दिक्कतें होती हैं,
तो चलो जो इलाज करना है वो तो हमने करना है, पर प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? सो डॉक्टर रोहित, इफ यू कैन स्ट्रक्चर योर आंसर, मे बी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, लाइफस्टाइल, एक एक करके अनूप शुक्ला जी के क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा और बाकी सबको, और हम भी सीखेंगे हम अपने किडनीज का और बाथरूम वाले रास्ते का ख्याल कैसे रखें। राइट सर, सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक पहले तो हमें ये पता रहे कि किडनीज का फंक्शन क्या है, काम क्या है। प्राइमरी किडनीज का रोल ये होता है कि बॉडी के टॉक्सिक एलिमेंट्स को निकालना, बॉडी में से एक्सक्रीशन करना। तो ये एक्सक्रीशन जो भी होता है वो किडनीज ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का प्रोडक्शन करती है, और यूरिन के रास्ते से ही हमारे ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते रहते हैं। तो अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स हैं बॉडी के, उनको निकालना जरूरी है, नहीं तो वो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। तो किडनी का मेन रोल यही होता है। तो अब हमें ये देखना है कि हाउ टू कीप आवर किडनीज हेल्दी। अगर हम स्टोन्स की बात करें या बाकी और प्रॉब्लम्स की बात करें, तो ब्रॉडली हमारे किडनीज को सेफ रखने के लिए कुछ बीमारियों से बचना भी जरूरी है, और एज सच किडनीज को हमें हेल्दी रखना भी जरूरी है ताकि वो बीमारियां ना हो। तो उनमें से प्राइमरली शुगर और मतलब डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये दो ऐसी हैं जो कि मेडिकल कॉजेज हैं, जिसमें हमें इन दोनों को कंट्रोल में रखना है, चाहे वो डाइटरी मॉडिफिकेशन हो हमारे खान पान के सुधार की तरफ से, या हमारे को ओवरऑल फिजिकल हेल्थ या एक्सरसाइजेस से उसको कंट्रोल करना हो। मान लो इन दोनों से नहीं होता है तो हमें फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना पड़ता है, दवाइयों द्वारा इनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये तो वो हो गए पार्ट जो कि मेडिकल मैनेजमेंट हुआ, जिनमें किडनीज को एट रिस्क या खतरा रहता है। और अगर हम सर्जिकल पार्ट में जाए, जो एज अ यूरोलॉजिस्ट जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको किडनीज की प्रॉब्लम ना हो या खासतौर पर स्टोन्स की प्रॉब्लम ना हो, और उससे क्या हमें प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाइड्रेशन। जब भी हमारा यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो अगर कम होता है, तो मोस्टली पहला वजह होता है इट डिक्रीज्ड हमारा फ्लूइड इनटेक। हम अगर कोई भी फ्लूइड, नॉट जस्ट वाटर, कुछ भी अगर तरल पदार्थ अगर हम अपना कम कर देते हैं, तो उससे यूरिन का प्रोडक्शन भी कम होता है, यूरिन कंसेंट्रेटेड होती है, और ये जो क्रिस्टल्स बोलते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे कण से होते हैं, वो यूरिन में धीरे धीरे कंसेंट्रेटेड मतलब और गाढ़ापन यूरिन में आने लगता है, और वही किडनी में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे ये क्रिस्टल्स जुड़ते हैं और उसका साइज बढ़ता है, तो वो एक कंक्रीशन या रेत के कण जैसा बनना शुरू होता है। तो ये स्टोन का फॉर्मेशन हुआ, मतलब स्टोन की शुरुआत हुई बनने की। तो इसीलिए उससे अगर बचना है तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हमारा एक सेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड हमें रोज लेना ही पड़ेगा। अगर मैं वो सेट अमाउंट को डिफाइन करूं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक एक मोटे मोटे भाषा पर या ब्रॉड अगर हम बोले तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि 10 से 12 ग्लास पानी का, और अगर एक ग्लास लगभग 200 से 250 ml होता है, तो टोटल कुल हमारा 2 से 2.5 लीटर हमारा वो जोड़ के बनाया बनता है। ये फ्लूइड्स होना चाहिए, मतलब सिर्फ पानी नहीं, कोई भी लिक्विड ले, चाहे जूस पी रहे हैं, दूध, लस्सी, कुछ भी ले रहे हैं, तो लिक्विड हमारा इतना इनटेक बॉडी के लिए जरूरी है। और अगर हम उसको स्पेसिफिक बोले कि हाँ कितना हमें एक्यूरेटली चाहिए, तो उसको हमने डिफाइन किया है यूरिन के प्रोडक्शन के हिसाब से। ये बताया जाता है कि जितना भी यूरिन हमारा डेली का आ रहा है, उससे एटलीस्ट हाफ लीटर पानी या लिक्विड हमें ज्यादा लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा रोज यूरिन का, ऑफकोर्स ये हम नाप नहीं सकते, पर मैं एक अंदाजे से बता रहा हूँ कि अगर यूरिन का मेरा डेली आउटपुट 1.5 लीटर है, तो मुझे एटलीस्ट 2 लीटर तक का पानी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आधा लीटर जो है ये बॉडी के बाकी पार्ट से निकलता है पानी हमारा, जैसे स्वेटिंग हुई, सलाइवेशन हुआ, सीक्रेशन हुए, बहुत और भी सोर्सेज हैं जहां से फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से। तो इसलिए हमारा टोटल जो हमारा इनटेक इतना होना चाहिए कि वो यूरिन जितना है उससे आधा लीटर ज्यादा रहे, तो हमारी किडनी सेफ रहती है। अब इसके अलावा कुछ हमारे डाइटरी भी ऐसी चीजें हैं जो कि स्टोन बनाने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ाती हैं, खासतौर पर जिनको पहले ही कभी पथरी की शिकायत हुई है। मेरे पास हर दूसरा मरीज सबसे पहले ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मैं ऑपरेशन करवा भी लूं, पर मैंने तो सुना है पथरी फिर बन जाएगी, ये तो बार बार होती है लोगों को। तो हमें उनको ये ही समझाना पड़ता है कि ये जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये आपकी किडनीज को नहीं बदल सकता, या आपके अंदर बॉडी के किसी स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता, ये तो सिर्फ स्टोन को निकाल सकते हैं, पर आपके जो बाकी बॉडी की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है, उस पे आपको ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये बार बार इसीलिए स्टोन बनने के रिस्क फैक्टर्स में रहते हैं। तो इसीलिए ये स्टोन फॉर्मर्स होते हैं बेसिकली, एंड इट्स वेरी कॉमन, वेरी रैम्पेंट इन दिस नॉर्थन बेल्ट।
तो जब ये स्टोन फॉर्मर्स को हमें यही बताना पड़ता है कि आपको डाइट में ऐसी चीजें हैं जो कि आपको परहेज करना पड़ेगा, कुछ चीजों से आपको बचाव करने के लिए आपको कुछ बंद करनी पड़ेंगी चीजें, तो वो भी हमें उनको समझाना पड़ता है। तो अगर मैं डिटेल में जाऊं तो स्टोन्स अगर हम देखें तो वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमनली स्टोन्स, कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, और उसके साथ ही ऑक्सैलेट स्टोन्स होते हैं। तो ये दो केमिकल्स हैं जो सबसे कॉमनली 70-80% स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सैलेट नाम के केमिकल से होते हैं। तो इनको हमें बचाने के लिए इनमें कुछ डाइट ऐसी चीजें हैं जो कि कैल्शियम रिच डाइट है या ऑक्सैलेट रिच डाइट है, उनको हमें फिर कम करना होता है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। अगर हम डाइट में अगर जाएंगे तो हमारा प्रिवेंशन पानी और खान पान इन दोनों से होता है। So the prevention is basically hydration and nutrition, healthy hydration, healthy nutrition, and maybe prevention of urinary tract infection, prevention of urinary tract obstruction because of other causes. So for Yes. that, we need a regular checkup from the urologist. Yeah, We definitely. warm welcome to Dr. Ermias Gebremichael, who has logged in from Ethiopia. Right. And Dr. Gebremichael reminds us that just like we have a stone belt in northern India, we have an Afro-Asiatic stone belt as well. This starts from Sudan in eastern Africa, goes through Egypt, then Saudi Arabia, the Gulf, and then comes into Iran, India, and Indonesia. So in this stone belt, like Dr. Rohit has said, number of stone formers is more, and it may be related to the minerals that we eat, the food that we eat, maybe the soil, the mineral content in the soil, so multiple things. One of the most important is the climate. This northern India, usually we have extremes of climate, particularly in summers we have the higher incidence of stones just because we have extreme temperature and dehydration occurs mostly during this period. So among northern India, one of the major factor is the high temperature as well as humidity. This both causes increased risk of stones. So, question. This is coming from an endocrine internal medicine perspective. In nephrology, we have something called heat-associated nephropathy. Heat-associated nephropathy में जो गर्मी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना में फार्मर्स में उनको दिखाई दी भी उनकी किडनी खराब हो जाते हैं गर्मी की वजह से. So, do we have something like heat-associated urolithiasis, यस यस heat-associated या heat-aggravated kidney stones? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग सर, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है सराउंडिंग्स का उतना डिहाइड्रेशन के रिस्क रहते हैं, अंटिल अनलेस वी टेक द सेम इक्वली अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स सो एज टू मेंटेन दैट हेमोस्टेसिस, मतलब हमारा एक वो लेवल बॉडी का मेंटेन रहे, सो दैट गुड हाइड्रेशन हेल्प्स इन मेकिंग दिस किडनीज यूरिन प्रोडक्शन एज वेल एज ओवरऑल बॉडी का जो हमारा फ्लूइड पैरामीटर्स है वो स्टेबल रहे। तो डिहाइड्रेशन मतलब हीट जब भी ज्यादा होगा तो स्टोन्स के रिस्क डेफिनेटली बढ़ते हैं अंटिल अनलेस वी टेक सम प्रॉपर केयर। तो इसलिए अभी इंसिडेंसेस और बढ़ रहे हैं बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, द टेम्परेचर इन समर्स इज फर्दर शूटिंग अप। तो इंसिडेंसेस वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम हीट। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन सभी के लिए, और इवन सेकेंडरी प्रिवेंशन जिनको पहले स्टोन रह चुका है या स्टोन की हिस्ट्री है मान लो फैमिली में, तो उनको और ख्याल रखना चाहिए कि पानी की कमी ना हो। सर, यस वन क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम डॉक्टर मुकेश मकरोलिया, वो पूछते हैं दैट पेशेंट्स हु हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म रीनल स्टोन, द स्टोन फॉर्मर्स, इज इट नेसेसरी टू रिप्लेस कैल्शियम कार्बोनेट विद कैल्शियम सिट्रेट व्हाइल ट्रीटिंग दैम? यस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत बार जरूरी भी है बिकॉज ऑफ दिस लो कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी, पर्टिकुलरली फॉर आवर बोन्स, तो उनको रिप्लेस बहुत बार करना पड़ता है। मोस्टली ये देखा गया था आज से काफी टाइम पहले, ये कैल्शियम कार्बोनेट के या कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये दो ऐसे हो रहे थे जो कि हमारे कैल्शियम फॉस्फेट भी आता था। तो ये कुछ कुछ ऐसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स थे जो कि ये देखा गया दैट यू रियली यूज टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ दिस किडनी स्टोन्स। उनमें से जब ये कैल्शियम साइट्रेट आया, साइट्रेट इज बेसिकली इसको चिलेटिंग बोलते हैं, मतलब वो इस कैल्शियम को किडनी में जाके जमा नहीं होने देता, तो वो साइट्रेट बेसिकली स्टोन फॉर्मेशन को कम करता है। सो इट इज ऑलवेज टोल्ड दैट कि अगर कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो इसको स्टोन फ्रेंडली कैल्शियम बोलते हैं। ये वो कैल्शियम है जो कि जनरली किडनीज में स्टोन्स नहीं बनाता, तो इसलिए कैल्शियम साइट्रेट जो मॉलिक्यूल है ये देखा गया है कि इट इज किडनी सेफ या स्टोन फ्रेंडली होता है। तो हमेशा अब के टाइम पे मोस्टली इसको अगर हम लोग कैल्शियम सप्लीमेंट, नो डाउट स्टिल लॉट ऑफ मेनी अदर कैल्शियम्स आर गोइंग ऑन, बट हु आर प्री डिस्पोज टू दिस किडनी स्टोन्स, एटलीस्ट दे शुडेंट टेक द अदर कैल्शियम रादर कैल्शियम साइट्रेट।
Dr. Armias is an endocrinologist and metabolic physician in Ethiopia, and he just requests if you could repeat this in English, please. Ah, sure. The question was that if I need supplement for calcium, should I take calcium citrate? So previously we used to give calcium carbonate, but this calcium, taking this calcium carbonate for a long duration usually used to increase the incidence of kidney stones, because this calcium used to directly get deposited in the kidneys. But over the time, it was found that the citrate, which is a sort of a chelating agent, this when was combined with calcium, it decreases the chances of this calcium deposition in the kidney. So the incidence of stones, particularly in patients who need this supplement for of calcium for a long time, this calcium citrate has been found to be a stone friendly calcium, and mostly we prescribe this calcium citrate in such patients. Thanks a lot. And going on with the discussion, there's another question from Dr. Mukesh, who says vitamin B6. Some people market vitamin B6 as a treatment for renal stone. So does that have any rationale? Yes. Vitamin B6 also is being used like pyridoxine, because initially what we used to use, what we used to get was a syrup called, particularly the chemical called, we used to use the citrate syrups, potassium citrate. Then it was found that there was some addition which can decrease this risk of calcium, particularly stones formation, like particularly magnesium, as well as this vitamin B6. These two were also found to be decreasing the chances of calcium excretion in urine. So hypercalciuria means the increased chances of calcium excretion in urine was quite decreased by taking this magnesium as well as vitamin B6. So mostly now formulations what we use or what we give prescribe to the patient is a combination of this potassium citrate along with magnesium and vitamin B6. So B6 also definitely decreases the risk in this hypercalciuria chances. Thank you. Sudham Hole ji ka question acknowledge karte hain, tuberculosis meningitis. Request rahegi ke Sudham expert leke aate hain, Dr. Rohit aur main, hum dono hi agar tuberculosis meningitis ki baat karni shuru karenge to gadbad ho jayegi. But he said most probably you know more than Sudham ji would be knowing more than us about TB meningitis. Good evening to Ali Nazakat sahab. Dr. Ramesh Pal Singh Pawar poochte hain, many times patients come with renal colic. So what is renal colic? Why does it occur? And what is the emergency treatment we should do? Ek aur question aa raha hai that are there some painkillers which can end up worsening renal colic? And are there some which help the patient more? Renal colic means jo pain associated with this kidney stone. ये क्यों होता है? जब भी हमारे पास स्टोन के पेशेंट आते हैं, जैसे मैंने बताया, मोस्टली उनको पेन होता है और वो पेन ज्यादातर बहुत सीवियर होता है. कई बार वो इतना सीवियर होता है कि वो टैबलेट्स या नॉर्मल दवाइयों से फर्क नहीं पड़ता और उनको हमें इंजेक्शन, कई बार एक या दो दो डोज भी इंजेक्शन का लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पेन उनको किसी भी दवाई से फर्क कम नहीं होता. तो पेन होता क्यों है, सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है जानना. जैसे मैंने बताया था, ज्यादातर स्टोन्स अगर किडनी के अंदर होते हैं और वो कॉर्नर में पड़े होते हैं, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन जिसको बोलते हैं, वो साइलेंट होते हैं, वो दर्द नहीं करते. इसलिए बहुत बार पेशेंट्स हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेके आ जाते हैं कि जी मेरे तो ये 5 mm की पथरी आई है गुर्दे में, तो अब मेरे तो इसका ऑपरेशन करवाना है या मुझे तो इसका इलाज करवाना है. तो हमें उनको ये समझाना पड़ता है कि ये पेन नहीं कर रहा आपको, ना ये किडनी को खराब कर रहा है, और ना इनको रियली कोई बड़ा इलाज की जरूरत है, ऐसे कोई बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत है. तो इनको हम उनके कुछ डाइट और उनको कुछ हाइड्रेशन की सलाह देके हम उसको वेट या उसको फॉलोअप में रख सकते हैं. पर पेन क्यों होता है? जब भी ये स्टोन अपनी जगह से हिलेगा और ऐसी जगह आके अड़ जाएगा या रुक जाएगा जहां पर ये यूरिन के फ्लो या पेशाब के बहाव को रोकना शुरू कर दे, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन बोलते हैं, वो पेन करता है. तो ज्यादातर वो पेन तभी होगा जब हमारा वो स्टोन कहीं मूव करके किसी जगह ऑब्स्ट्रक्शन करेगा. मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक ये मॉडल दिखाया था, जिसमें ये हमारी जैसे दोनों किडनीज होती हैं और ये किडनी की नलियां होती हैं जिसको यूरेटर्स बोलते हैं. मोस्टली स्टोन जब किडनी के सेंटर पार्ट में होगा, जिसको पेल्विस बोलते हैं, या इधर यूरिन के पाइप में आएगा, तभी ये पेन करेगा, क्योंकि ये यूरिन के फ्लो का रास्ता है. तो पेन का कारण हमेशा फ्लो की रुकावट है. पथरी कभी डायरेक्टली कभी दर्द नहीं करेगी. स्टोन कभी भी इटसेल्फ डजंट कॉजेस पेन. पेन इज बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट के कारण ही दर्द होगा.
तो जब भी ये स्टोन आके कभी यूरेटर या पेशाब की नली में आके फंस जाता है तभी दर्द ज्यादातर शुरू होता है और ये दर्द काफी सीवियर होता है। तो दर्द का हमें सबसे पहले पेशेंट जब भी प्रेजेंट करता है तो हमें लगभग एक अंदाजा हो जाता है कि इसको स्टोन पेन हो रहा है। हम अल्ट्रासाउंड सबसे पहले एडवाइस करते हैं, पर सबसे प्राइमरी हमारा ट्रीटमेंट ये रहता है कि उसका पेन कम किया जाए। तो ज्यादातर अगर पेन मॉडरेट है तो दवाई से भी फर्क पड़ जाता है गोलियों से, बट अक्सर हमें फिर रीनल कोलिक को कम करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इनमें से प्राइमरी जो इंजेक्शन है जिसको हम डाइक्लोफेनेक बोलते हैं, या एक ग्रुप है जिसको NSAIDs ग्रुप बोलते हैं। तो डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो कि मोस्टली दर्द को दबा देता है या दर्द में फर्क ले आता है। इसके अलावा एक दो इंजेक्शन और भी होते हैं जिसे हमें कई बार एड ऑन करना पड़ता है, जिनको हम एंटी स्पाजमोडिक बोलते हैं, जो ये मरोड़ होता है उस मरोड़ को कम करने के लिए। तो उसमें भी ड्रोटावेरिन है, डाइसाइक्लोमीन है और बस्कोपेन है, ये दो तीन हायोसिन जिसको बोलते हैं। तो ये दो तीन और एंटीस्पाज्मोटिक भी कभी हमें ऐड करना पड़ता है। तो कई बार हमें एक दो इंजेक्शन जोड़ के इकट्ठे ही भी पेशेंट को देना पड़ता है। इवन ये पेन किलर अगर ना आराम दे तो कई ऐसे भी होते हैं जो स्ट्रॉन्ग पेन किलर जिनको बोलते हैं, जिसमें ट्रामाडोल नाम का एक इंजेक्शन आता है या पेंटाजोसिन नाम का इंजेक्शन आता है या ब्यूट्राफेनॉल। तो ये दो तीन ऐसे इंजेक्शन है जिससे थोड़ा पेशेंट को सीडेशन भी होता है और दर्द में भी वो उसके सुपीरियरली एक्ट करके पेन को फर्क ले आता है। तो पेन किलर्स इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस टिल द पेशेंट गेट्स रिलीव्ड ऑफ पेन, और दर्द में आराम आने के बाद ही फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कितना बड़ा स्टोन है, कहाँ पर है, उसने किडनी पे कोई स्वेलिंग तो नहीं की हुई है, तो वो हमारे बाकी टेस्टों से फिर पता चलता है। थैंक यू। एंड मल्टीपल क्वेश्चंस कमिंग इन, बट एक क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम अंशु सिंह जी, दैट इज दैट व्हेन वी से सर्जरी, तो अब हमें ये लगता है जो पुराने टाइम वाले लोग हैं कि जो भी ऑपरेशन होगा, एनी सर्जरी दैट इज डन, उसमें 10 दिन राखेल रहना पड़ेगा, इतना लंबा कट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इज दैट ट्रू नाउ? ऐसी वाली सर्जरीज होती हैं फॉर किडनी स्टोन या दूरबीन और लेजर वाली सर्जरीज आ गई हैं? सर बल्कि अगर हम सिर्फ किडनी स्टोन्स की बात ना करें, ओवरऑल हमारे हर सर्जिकल ट्रीटमेंट में, हर जहां पर भी ऑपरेशन की बात आती थी, नाउ इट इज अ टाइम ऑफ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज, मतलब जितना कम से कम शरीर पे कट लगे, जितना कम से कम अंदर इंजुरी हो ड्यू टू सर्जरी या ब्लीडिंग हो या टांके लगे। तो अभी अगर हम किडनी स्टोन्स की तरफ जाएं, ऑलमोस्ट सारे किडनी स्टोन्स, मतलब अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो पहले तो सारे चीरे वाले ऑपरेशन होते, ओपन सर्जरीज होती थी, जिसमें आपकी बात सही है कि काफी लंबा कट लगता था पेट पे और कम से कम 15-20 टांके लगे होते थे, मरीज 8-10 दिन तो कभी अस्पताल या घर पे लेटा रहता था और उसके बाद उसकी रिकवरी को भी 1-2 महीना लग जाता था। अगर हम आज की बात करें तो नाउ इट इज द एरा ऑफ एंडोस्कोपिक सर्जरी, मतलब दूरबीन वाले ऑपरेशन से होते हैं। ये ऑपरेशंस आज के टाइम में सबसे अच्छे माने गए हैं इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। तो उनके रिजल्ट्स इवन उनसे फार सुपीरियर भी होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा कि कितना फर्क है, क्या फर्क होता है इनमें। पर अगर हम ओवरऑल रिकवरी की बात करें या हॉस्पिटल स्टे की बात करें, मुश्किल से हमें एक दिन 24 घंटे रखना पड़ता है मरीज को, और सेकेंड या थर्ड डे से मरीज अपने रूटीन एक्टिविटीज पे आ जाता है, चाहे वो स्टोन किडनी की नली में हो, मतलब गुर्दे की नली में, या गुर्दे के अंदर हो, या मतलब मेरा कहने का मतलब है यूरेट्रिक स्टोन या किडनी स्टोन जो भी हो, हमारे लिए आज के टाइम में ये स्टोन्स की सर्जरी दूरबीन द्वारा ही की जाती है। एंड इसमें कोई कट नहीं लगता, कहीं कोई चीरफाड़ नहीं होती, कहीं कोई टांके नहीं लगते, और रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होती है एंड रिजल्ट्स उससे भी बेटर होते हैं जो आज से पहले किए जाते थे। तो लेजर अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में कि लेजर जब से आया है उसके क्या फायदे हुए, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में उसने एक रेवोल्यूशन ले लिया कि कैसे पेशेंट्स को इसका कितना फायदा होने लगा। मेनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पेन रिलीफ, इंजेक्शन साइक्लोपेम, इंजेक्शन बरेलगन जो पहले यूज किया जाता था, डू दे स्टिल हैव अ प्लेस इन थेरेपी? नाउ ऑलमोस्ट इट्स ऑब्सोलीट, नो डाउट ये एंटीस्पाज्मोटिक होते हैं, इनका पेन भी टू सम एक्सटेंट रिलीव करता है, बट जब देखा गया तो डाइक्लोफेनेक का इंजेक्शन जो होता है, अनटिल अनलेस पेशेंट का रीनल फंक्शन मतलब क्रिएटिनिन वैल्यूज नॉर्मल हैं, तो डाइक्लोफेनेक इज द एनाल्जेसिक ऑफ चॉइस, पेन किलर ऑफ चॉइस। ज्यादातर डाइक्लोफेनेक से दर्द में आराम भी आ जाता है और हमें कोई दूसरे इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, बट कभी कभार कुछ इंजेक्शन हमें एड ऑन जैसे मैंने बोला था करना पड़ता है। बट मोस्टली अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलें
मतलब अगर पेरेंटल ड्रग ऑफ चॉइस इंजेक्शन के तौर पे जो जाता है तो डाइक्लोफेनेक इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, बशर्ते पेशेंट की किडनी फंक्शंस नॉर्मल है, उसके बाद हम एक दो और मेडिसिन। बट साइक्लोपैम अब के टाइम में, हमारे टाइम में जब बहुत पहले यूज होते थे, अब के टाइम में वो पेट दर्द के लिए आम दिया जाता है बट स्टोन पेन के लिए नहीं देते। And then Ali Nazakat ji पूछते हैं, the pain does it occur because the stone is moving या it occurs because the stone is big या both of the above? Both, both, yes, very good question. अगर किडनी स्टोन काफी बड़ा हो जाए, अगर हम आम बड़े का हम डिफाइन करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, दैट कैन स्टार्ट फ्रॉम 10 मिलीमीटर में कैन गो अप टू 40 मिलीमीटर इवन 50 मिलीमीटर आल्सो, बट ज्यादातर जब स्टोन बड़ा होता है और ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो हमारे लिए साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहिए। चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनका जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजन, उनका एक बहुत बड़ा स्टोन निकलता है, इट मे बी समवेयर मे अराउंड गो अराउंड 40 और 50 सेंटीमीटर, एंड दे आर वेरी मच सरप्राइज कि आज तक मुझे दर्द ही नहीं हुआ, कभी मुझे पेन नहीं हुआ, इतना बड़ा स्टोन हुआ कैसे? तब हमें उन्हें बताना पड़ता है कि आपको पेन नहीं हुआ इसलिए ये स्टोन इतना बढ़ गया। इट मीन्स कि वो छोटे स्टोन अगर कभी ऑब्स्ट्रक्ट करते या रुकावट डालते तभी दर्द होता, वो स्टोन ने कभी ऑब्स्ट्रक्ट ही नहीं किया, उनको पेन नहीं हुआ, तो सरप्राइजिंगली वो स्टोन इतना बड़ा होता चला गया एंड इट रिमेंड साइलेंट। तो ऐसे इनको हम स्टैगहॉर्न स्टोन्स बोलते हैं जो किडनी के लगभग हर कोने में पहुंच जाते हैं और पेशेंट को कभी तकलीफ नहीं दी उसने। एंड द अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो किडनी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खराब कर रहा होता है और मरीज को इस चीज का एहसास ही नहीं होता। तो कभी कभार हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड या कोई टेस्ट कराए और उसमें किडनी लगभग खराब हो चुकी होती है, इट्स नॉन फंक्शनिंग किडनी, और हमें उनकी किडनी रिमूव भी करनी पड़ती है। एंड इट नोवेयर इवन पेशेंट वाज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ इट कि वो उसको स्टोन की प्रॉब्लम चल रही है। तो समटाइम्स अ बिग सरप्राइज फॉर द पेशेंट्स एज वेल एज फॉर अस ऑल्सो कि ऐसा भी कई बार हमारे पास प्रेजेंटेशन होता है। तो साइज ऑलवेज डजंट मीन्स कि पेशेंट को सिम्टम होंगे या पेन होगा, रैदर उल्टा होता है कि सिम्टम नहीं होता इसलिए इतना बड़ा स्टोन बन जाता है। बट यस, मूवमेंट या जब स्टोन एक बार हिलता है और कहीं आके अड़ेगा, सिर्फ हिलने से नहीं होगा, उसको कहीं फंसना होगा, कहीं ना कहीं रुकावट करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तभी पेन शुरू होता है। सो द कॉज ऑफ पेन ऑलवेज इज ऑब्स्ट्रक्शन इन स्टोन। स्टोन इटसेल्फ डजंट कॉज एनी पेन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन दैट कॉजेज द पेन। सो ये दोनों चीजें हमारे सुनने वाले शेयर कर रहे हैं, बोथ एग्जांपल्स ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड। अतनु चौधरी जी शेयर्स द केस ऑफ अ लेफ्ट किडनी विद EGFR 8 and right kidney EGFR 38, which means, Atanu, that the left kidney is not functioning at all. EGFR has gone below 15. So if it is because of a stone, it is possible that the surgeon might tell you it's better that we remove it. Yeah. Agar EGFR bahut kam ho. And the right kidney, it's not perfect, but still it's okay. So we have to take care of it. And like Dr. Rohit said, hydration, nutrition, stop smoking if you're smoking. Stop means stop with a capital S and don't start. You've not smoked it. Don't think of starting right now. Make all alphabets capital, not just S. Yes. Stop STOB in capital. That's right. Good to take care of the kidney and then take care of your blood pressure, sugar, obesity. So that, like Manager Prasad ji kehte hain, then we are able to help the kidney. And dusra example share karte hain. Ye hai Ganesh Ambore ji, who says that the stone is in the UV junction. So, Dr. Rohit, what is UV junction, U and V, and it's only 6 millimeter, but wo phas gaya, it's got stuck. So what's the treatment now? That's a very good question. Ye bahut aate hain hamare paas. UV junction is uretrovesical junction. Jo maine aapko bataya tha, ye ureters hote hain dono, aur dono ureters aake hamare bladder mein aake jud jate hain. To yahan jahan unka jod hota hai, matlab junction hota hai, the lowest end of the ureter, usko bolte hain UV junction. This is the narrowest part. Matlab ये यूरेटर का गेट थोड़ा सा ऊपर की तरफ, सो दैट आई कैन स्क्वीज द ब्लैडर। अच्छा, मैं एक और बार दिखाता हूं। सो दीस बोथ आर द यूरेटर्स दैट कम फ्रॉम द किडनी दैट ड्रेन्स द यूरिन एंड इट जॉइंस एट दीस टू एंड्स। दिस बोथ लोअर एंड ऑफ द यूरेटर इज वेयर इट जॉइंस द ब्लैडर। सो दिस जंक्शन इज नोन एज द यूवी जंक्शन और यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन। सो ज्यादातर ये वाला पार्ट जो होता है ये नैरोएस्ट होता है। हमारे ऊपर से जैसे जैसे यूरेटर नीचे आता है उसका जो वेट होती है या कैलिबर होता है वो कम होता चला जाता है। तो बहुत बार स्टोन्स ऊपर से नीचे तक तो आने लग जाते हैं और यहाँ आकर ही फंसते हैं बिकॉज यूवी जंक्शन इज द नैरोएस्ट पार्ट। तो सबसे जो स्टोन का साइज चाहे वो 6 mm 7 mm है वो अक्सर यहीं आके फंसता है क्योंकि यहाँ का रास्ता सबसे बारीक होता है, सबसे पतला होता है।
यूरेटर से ब्लैडर में आने की जरूरत होती है स्टोन को. दिस इज द ओनली पार्ट दैट हिंडर्स द स्टोन मूवमेंट फर्दर. तो यहाँ पर अगर स्टोन अड़ता है तो ज्यादातर पेशेंट्स को पेन तभी शुरू होता है यूवी जंक्शन में फंसने की वजह से. फंस तो कहीं भी सकता है, यूरेटर के किसी पार्ट में भी फंस सकता है, बट अगर मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो नैरोएस्ट पार्ट में ही फंसेगा, तो वो यूवी जंक्शन ही होता है. तो यूरेट्रोवेसाइकल जंक्शन इज दैट जंक्शन विच जॉइंस एट द ब्लैडर. तो जब भी ये स्टोन वहां फंसता है तो हमें कुछ पैरामीटर्स हमें देखना पड़ता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द साइज ऑफ द स्टोन. जैसे इन्होंने बताया 6 mm स्टोन, तो पॉसिबिलिटी है कि ये स्टोन पास भी कर जाएगा. एक बार वो पास कर गया यूवी जंक्शन से तो वो ब्लैडर में आता है, और ब्लैडर से फिर इसका रास्ता लगभग इतना होता है कि वो बाहर पेशाब के रास्ते से निकल भी जाता है. तो यूवी जंक्शन के स्टोन्स में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसका साइज क्या है और उसने रुकावट कितनी डाली, मतलब ऊपर किडनी के ऊपर उसका इफेक्ट कितना आया है. ये दो पैरामीटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम पेशेंट को दवाइयों से उस स्टोन को निकालने की मदद करें या हमें दूरबीन या लेजर द्वारा उस स्टोन को निकालना पड़े, तब जाके हम फर्दर आगे ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं. पर 6 mm के फिर भी स्टोन ऐसे होते हैं जो कई बार पास कर जाते हैं यूरिन से दवाइयों के साथ. थैंक यू फ्रॉम मोहिनी बटारा जी एंड दिनेश ठाकुर जी. मोहिनी बटारा जी बोलते हैं डीप इनसाइट एंड बड़े सिंपल शब्दों में आप हमें सिखा रहे हैं. थैंक यू डॉक्टर अर्मियस. एंड वी हैव सरदार फ्रॉम पाकिस्तान हु इज लॉग्ड इन. आदाब एंड सलाम. वो कह रहे हैं कि वी नो इट्स डिफिकल्ट इन अ टॉक शो, बट इफ यू कैन मैनेज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ सो दैट वुड बी नाइस. बट थैंक्स डॉक्टर रोहित फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो सिंपली. More and more questions coming up. And Bhanu Pratap Singh ji got his posterior urethral valve surgery done in 1998, long ago, and BNI surgery in 2013. BNI kya hota hai, Dr. Rohit? BNI sir, yeah, it's a bladder neck incision. जो हमारा bladder से जहाँ रास्ता शुरू होता है उसको bladder neck बोलते हैं, जहाँ से urine का outlet है. तो कुछ पेशेंट्स में ब्लैडर नेक टाइट रहता है, मतलब वो जगह इतनी नैरो रहती है कि उस वो यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब वो फ्लो अच्छा नहीं आता उन पेशेंट्स का, रुक रुक के उनको यूरिन का फ्लो बनता है या प्रेशर जो पेशाब का जो धार है वो काफ़ी कमजोर रहती है. तो इसमें एक सर्जरी यही की जाती है जिसमें हम ब्लैडर नेक के पे चीरा लगा देते हैं दो तरफ, एक राइट और लेफ्ट की साइड, और उस चीरे से हम उस रास्ते को खोल देते हैं. सो वी कॉल इट एज ब्लैडर नेक इंसिजन और BNI. उससे पेशाब का फ्लो या बहाव, फ्लो मतलब जो प्रेशर है वो खुल जाता है और पेशाब अच्छे से उनका फ्लो मतलब धार जो है उसमें उनको फर्क पड़ जाता है. तो बेसिकली इट्स अ सर्जरी फॉर ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन. एंड नाउ भानु प्रताप, क्रिएटिनिन लेवल्स आर 3.35. वी डोंट नो हिज एज, बट कैन वी गेस द एज? PUV सर्जरी 1998 में, इज दैट एनफ टू हेल्प अस गेस द एज डॉक्टर रोहित? सर अगर जस्ट क्रिएटिनिन वैल्यू से तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमें कैसे पता चले. पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेल सर्जरी डन इन 1998. तो मोस्टली ज्यादातर क्या होता है ये, बिकॉज इट्स अ कंजेनिटल प्रॉब्लम, ये बाय बर्थ होता है, तो ज्यादातर इसकी सर्जरी भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्टली इनफैक्ट ये एंटीनेटल डायग्नोसिस होता है, मतलब जब बच्चा पेट में होता है तभी इसका पता चल जाता है. तो अक्सर अगर ये पहले पता चल जाता है तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा जब 6 महीने से साल भर तक का होता है तो इसका फिर सर्जरी की जाती है. तो आई एक्सपेक्ट कि अगर ये बचपन में ही पता चल गया तो इनकी उम्र हो सकता है कि साल दो साल की हो. बट यस, बहुत बार पेशेंट्स हमारे लेट प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, उनके दोनों किडनीज में यूरिन में रुकावट होने लगती है, रिफ्लक्स शुरू हो जाता है, मतलब दोनों यूरेटर से पेशाब जो ब्लैडर में इकट्ठा होता है वो बैक प्रेशर बनने लग जाता है, तो उसको हम साइको यूरेटरी रिफ्लक्स बोलते हैं. तो ये जो PUV या पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व एक बीमारी जो कंजेनिटल है उसकी वजह से वो लेट प्रेजेंटेशन भी कई बार करते हैं. तो आई मे बी इनका अगर बचपन में पता चल गया तो आई गेस हो सकता है साल दो साल में इनकी सर्जरी हो गई हुई. डॉक्टर रोहित को इंट्रोड्यूस किया था रूहानी रहबर के नाम से, सो लेट अस सी द एस्ट्रोलॉजी एंड द प्रेडिक्शन वाला स्ट्रेंथ. तो 1998 में सर्जरी हुई भानु की, एक या दो साल की एज होगी ये डॉक्टर रोहित ने गेस किया. दैट मींस बर्थ इन 1996 और 97. अब अरिथमेटिक में है मेरा हाथ तंग, तो मान लो 96 में पैदा हुए भानु जी, तो अब उनकी एज होनी चाहिए 28, और भानु जी लिख रहे हैं उनकी एज है 29, सो क्वाइट क्लोज. बट भानु, किडनी स्मॉल है, CKD स्टेज 4 है, बट दैट डजंट मीन इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो CKD स्टेज 4 ऑफ कोर्स वी शुड प्रिपेयर कि यदि 5 में चला गया फिर ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होगा. But if you follow these basic rules, hydration, nutrition, make sure BP, glucose,
वो बेसिकली दीज डोंट ट्रबल यू या लाइक ये दिस इज नॉट अ स्टोन प्रॉब्लम, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन में नहीं फोकस करना पड़ता. दिस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं, मतलब ये रुकावट के कारण किडनी खराब हुई है. तो इनके लिए इनका बेसिकली फ्लो अच्छा रहना चाहिए, प्रेशर इनका खुल के आना चाहिए, पेशाब जो हमारा ब्लैडर के अंदर बचना नहीं चाहिए, जिसको हम रेसिडुअल यूरिन बोलते हैं, मतलब एक बार जब हम पेशाब कर लेते हैं तो वो ब्लैडर के अंदर बचना नहीं चाहिए. ये पैरामीटर्स पे ध्यान देना पड़ेगा. वो इनका 20 ml है एंड सो प्रिवेंट फर्दर इन्फेक्शन, प्रिवेंट फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन भानु. एंड फ्रॉम अ हाइड्रेशन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पानी ना कम ना ज्यादा, एंड एट द सेम टाइम प्रोटीन भी ना कम ना ज्यादा, दोनों चीजें. तो डॉक्टर रोहित, अगर आप भानु की एज प्रिडिक्ट कर सकते हो तो फिर तो आप मेरा फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो. आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, इट वॉज जस्ट अरिथमेटिक कैलकुलेशन दैट जस्ट. आप न्यूमरोलॉजिस्ट तो बोल सकते हो बट एस्ट्रोलॉजी में मेरा कोई इतना ज्ञान नहीं है, बट ऑफकोर्स आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. कोशिश की, आई ट्राइड एंड अर्मियास एंड दर, आई होप यू आर लाविंग विद मी नॉट लाविंग एट मी. आई वाज ट्राइंग टू गेट माय फ्यूचर प्रेडिक्टेड बाय डॉक्टर रोहित, बट ही बिफोर दिस शो आई वाज जस्ट, सिंस आई वाज हैविंग अ चैट विद यू एंड आई वाज कांग्रेचुलेटिंग डॉक्टर कालरा दैट इट वाज 968 एंड आई एम वेरी श्योर दैट वेरी सून ही इज गोइंग टू क्रॉस दिस 1000 एपिसोड्स एंड दैट्स अ बिग नंबर फॉर हिम. सो आई कैन इवन, वेल आई शुड इवन कांग्रेचुलेट यू दैट इट्स नॉट जस्ट अ फ्यूचर, यू आर डूइंग सम रिमार्केबल जॉब. We're all in it together. सब लोग इकट्ठे मिलके तो काम करते हैं. And because हमारा aim और ambition same है, that is good health and happiness for everybody. बिल्कुल simple सा सरल सा aim है. छोटी सी आशा and छोटे से मन की छोटी सी आशा है. So we are on our way to achieving that. शगुफ्ता यास्मीन जी मैडम पूछती हैं, डॉक्टर शगुफ्ता पूछती हैं, if there is a history of repeated, okay, we've answered that, repeated stones, the best calcium would be calcium citrate. So yes, that is a stone friendly kind of a calcium. Dr. Suresh Mittal question पूछते हैं, आपने लेजर की बात की for kidney stones, so can you tell us more about the different types of laser? And yes, then his other question is PCNL, RIRS, ये क्या चीजें and how do we decide which kind of laser, which kind of lithotripsy to be chosen? In fact, this question is some every urologist will love to answer because finally a urologist is a surgeon, no doubt, and surgery is a bread and butter for a urologist. Though maine shayad last show mein bhi yehi bataya tha ki hamare paas sirf surgical treatment nahi hota, we are not always ready with a knife, but yes, agar hum surgery ki baat kare to stone surgery is one of the commonest surgery a urologist do, and usme yehi jo do modalities ke bare mein abhi baat hui, PCNL and RIRS, main thoda sa iska brief kar lunga ki kya hota hai aur laser kya kya type ke hote hain ya uska kya treatment किया जाता है स्टोन्स में. तो अगर हम डिफाइन करें तो किडनी स्टोन्स होते हैं और यूरेट्रिक स्टोन्स होते हैं. किडनी स्टोन्स का एक ट्रीटमेंट होता है, यूरेट्रिक स्टोन्स के दूसरा ट्रीटमेंट होता है. नो डाउट लेजर इज अ बूम, इट इज अ दैट हैज रियली रिवोल्यूशनाइज्ड द स्टोन सर्जरी ट्रीटमेंट. पहले जैसे मैं बता रहा था ओपन सर्जरी होने लगी थी, फिर उसका जो नेक्स्ट आया दैट वॉज एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम PCNL बोलते थे या परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, उसका एक फुल फॉर्म है. तो उसमें क्या होता था, लाइक ये जैसे हमारी किडनी है और मान लो स्टोन अगर इधर है तो हम डायरेक्टली किडनी को पंक्चर करते थे और किडनी के अंदर जाके स्टोन को रिमूव कर देते थे. अगर छोटा स्टोन है तो साबुत निकल आता था, या अगर बड़ा स्टोन है तो उनके टुकड़े किए जाते थे और टुकड़ों को उसी ट्रैक से, मतलब उसी रास्ते द्वारा बाहर निकाला जाता था. सो दैट इज PCNL. अब जो नेक्स्ट आया हमारा सवाल RIRS. RIRS इज अ रिसेंट एडवांस इन दिस स्टोन सर्जिकल मैनेजमेंट. उसमें क्या होता है, कहीं कोई कट नहीं लगता किडनी के अंदर, कहीं एंट्री नहीं होती, कहीं बॉडी में कोई स्कार नहीं होता, कहीं कोई छेद या रास्ता नहीं बनाया जाता. इट इज ऑल डन थ्रू दिस नेचुरल ट्रैक. ये सारा का सारा जो यूरेटर है, यूरेटर के रास्ते से ही एक दूरबीन होती है जिसको हम फ्लेक्सिबल यूरेटर्स को बोलते हैं, जो कि ऐसे मतलब मुड़ सकती है हर जगह. तो वो किडनी के अंदर जाती है और किडनी के हर कोने में वो स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकती है, और वही दूरबीन से एक लेजर फाइबर जाता है और वो लेजर भी क्या करता है, स्टोन को डस्ट कर देता है, पाउडर कर देता है. सो इट जस्ट कंप्लीटली डिजॉल्व द स्टोन, और पाउडरिंग होता है या डस्टिंग बोलते हैं उसको. तो वो इसी रास्ते द्वारा होता है और इसको हम RIRS बोलते हैं. सो RIRS स्टैंड्स फॉर रेट्रोग्रेड इंट्रारिनल सर्जरी. रेट्रोग्रेड मतलब उल्टे रास्ते, ये हमारा सीधा रास्ता है, हम उल्टे रास्ते जाते हैं, मतलब नीचे से जाते हैं पेशाब के रास्ते से, ब्लैडर के द्वारा हम यूरेटर में घुसते हैं और वही दूरबीन इतनी पतली होती है कि वो दूरबीन किडनी तक पहुंच जाती है और वहीं से वो मुड़ सकती है, मतलब फ्लेक्सिबल होती है.
तो इसीलिए RIRS से ही अभी आज के टाइम में इट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जरी बोला जाए अगर स्टोन्स के माने, पर उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, पर्टिकुलरली बहुत बड़े स्टोन्स में RIRS जनरली नहीं कर सकते, तो एक स्टोएम का साइज लिमिट होता है, ज्यादातर 2 सेंटीमीटर को हम एक अपर मार्जिन मानते हैं जहां तक RIRS से हम स्टोन्स रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो अगर उससे बड़े होते हैं तो स्टिल PCNL स्टिल रिमेन्स गोल्ड स्टैंडर्ड आज के टाइम में. PCNL नो डाउट PCNL अभी भी अगर हम इंडिया में देखें तो 70-80% यूरोलॉजिस्ट PCNL ही करते हैं, क्योंकि RIRS पहला तो इट्स एक्सपेंसिव प्रोसीडियर, थोड़ा सा महंगा होता है और हर जगह अभी पहुंचा भी नहीं है, बिकॉज उसको टाइम लगता है, कोई भी नई तकनीक आती है तो वो समय लेती है, तो RIRS नो डाउट इज द फ्यूचर टाइम के साथ. वो RIRS काफी सारे यूरोलॉजिस्ट अब यंग यूरोलॉजिस्ट जो आ रहे हैं वो RIRS ही करते हैं, सो इट हैज नाउ ऑलमोस्ट टेकन और रिप्लेसिंग PCNL नाउ. तो ये हमारा 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, एंडोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर किडनी एंड यूरेट्रिक स्टोन्स. तो सर जैसे आपने कहा कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं एंड प्लसेस माइनसेस हैं, फ्रॉम अ पेशेंट पर्सपेक्टिव सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है आफ्टर द न्यू लेजर सर्जरीज वर्सेस एज कंपेयर टू मे बी द लिथोट्रिप्सीज. सर लिथोट्रिप्सी अगर मैं बोलूं तो लिथोट्रिप्सी बेसिकली एक प्रोसीडियर है जिसमें शॉक वेव्स होते हैं और वो बाहर से ही मशीन में एक पेशेंट को लिटा देते हैं और बाहर से शॉक वेव से मशीन में से वो स्टोन को हिट करता है और अंदर ही किडनी के अंदर वो स्टोन को फ्रैगमेंट कर देता है. बाद में पेशेंट्स वो स्टोन्स को अपने यूरिन के रास्ते से पास करता रहता है. इसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि बहुत छोटे स्टोन्स को नहीं कर सकते हैं या काफ़ी बड़े स्टोन्स को नहीं कर सकते हैं. सेकेंड ये कि कई बार वो फ्रैगमेंट तो होते हैं पर वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते या जाते नहीं, अपने बाहर नहीं निकलते. तो लिथोट्रिप्सी तो एक सेपरेट हो गया जिसको वो अब जब से RIRS PCNL शुरू हुआ है तो उसने ऑलमोस्ट काफ़ी जगह उसको रिप्लेस भी किया है. स्टिल मेनी सेंटर्स इंडिया में कई जगह है लिथोट्रिप्सी दे आर डूइंग एंड दे आर डूइंग गुड ऑल्सो. बट अगर हम बाकी दोनों सर्जरीज को कंपेयर करें PCNL और RIRS को, तो दोनों की अपनी जगह है. दोनों ने अभी ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को रिप्लेस कर दिया. PCNL कुछ जगह सुपीरियर है RIRS से, कुछ जगह RIRS सुपीरियर है PCNL से. पर अगर मैं एज सच अगर न्यूट्रली हम सोचें तो RIRS इन एनी अदर डे अगर कोई 1.5 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन है तो दैट शुड बी द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, बिकॉज उसके बहुत सारे फायदों में से एक है कि किडनी के अंदर हमें जाना नहीं पड़ता बाहर से, मतलब वो स्किन से ही हमें अंदर घुसना पड़ता है किडनी के अंदर. वो हमारे ट्रैक या किडनी की इंजुरी बोल दो या ब्लीडिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो कि PCNL में हमेशा एक रिस्क रहता है. RIRS में वो सारे रिस्क खत्म हो जाते हैं RIRS के, क्योंकि एक दो कुछ लिमिटेशंस है लाइक इन्फेक्शन के थोड़े से रिस्क ज्यादा रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं होगा बट स्लाइटली मोर देन एज कम्पेयर टू PCNL. एंड उसका स्टोन साइज इज अ लिमिटिंग फैक्टर, कभी कभी जैसे बहुत बड़े स्टोन्स होते हैं उनमें RIRS फिजिबल नहीं होता. अदरवाइज अगर हम कंपेयर करें तो RIRS इज ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीडियर इन टूडेज एरा. So in case you have a stone and in case you need surgery, please speak with your urologist and talk about the different options. यदि हो सकता है किसी सेंटर में सारी ऑप्शन ना अवेलेबल हो तो एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करके जो भी आपके लिए सही है वो आपकी मदद करेंगे उसको डिसाइड करने में. एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये भानु प्रताप जी का है. तो जैसे आप बता रहे हो ना भानु, देखो एज इज यंग, अभी 70 साल और हैं लाइफ के और हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है दोनों साइड, CKD स्टेज 4 है. तो एक्चुअली हम चाहें या ना चाहें स्टेज 5 की तरफ जाएगा, तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो चाहिए. 3 तरह की है, पेरिटोनियल डायलिसिस जो आप ज्यादा साल निभा नहीं पाओगे, हीमोडायलिसिस वो भी बहुत ज्यादा साल नहीं निभा पाओगे, एंड रीनल ट्रांसप्लांट. तो अगर आप यंग हैं अदरवाइज हेल्दी हैं तो वी वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप रीनल ट्रांसप्लांट करवाएं एंड रिलेटेड ट्रांसप्लांट वुड बी द बेस्ट. डोनर ट्रांसप्लांट, ये जो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट होती है तो वहां पे भी अपना नाम डलवा सकते हैं, बट प्लीज लिसन टू योर नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी है. यस यस सर, कुछ एक क्वेश्चंस हैं फ्रॉम यूरोलॉजी बट नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टोन्स, इफ यू कैन टेक अ फ्यू एंड वेरी सिंपल आंसर्स नीडेड, मोस्टली यस और नो. डॉक्टर मुकेश पूछते हैं, इफ अ BPH पेशेंट, प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेसिया पेशेंट, कंप्लेन्स ऑफ रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन विद सिलोडोसिन और एनी अदर अल्फा ब्लॉकर, व्हाट एल्स कैन वी स्टार्ट? सी बेसिकली रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन इज अ इफेक्ट, रेदर हम साइड इफेक्ट बोल सकते हैं, बट इसका कोई नुकसान नहीं. सो
जब भी हम साइलोडोसिन या कोई भी अल्फा ब्लॉकर ऐड करते हैं तो उसका अल्फा ब्लॉकर का रोल क्या है आपको मैं पहले वो बताता हूँ। वो हमारे ब्लैडर नेक को खोल देता है, ब्लैडर नेक को वाइड कर देता है सो दैट यूरिन का फ्लो इम्प्रूव हो। सो व्हेनेवर देयर इज एन इजैक्युलेशन इट रैदर शुड गो आउट एंड कम आउट, वो नहीं हो पाता क्योंकि ब्लैडर नेक खुल गया एक बार तो वो बाहर आने के बजाय वापस चला जाता है। क्योंकि नॉर्मली जब इजैक्युलेशन का प्रोसेस है तो ब्लैडर नेक क्लोज होता है तभी वो बाहर निकल पाता है। सो एक बार हमने ब्लैडर नेक अगर ओपन खोल दिया तो इजैक्युलेशन के टाइम पे वो वापस ब्लैडर में चला जाता है। सो वी कैनॉट रिप्लेस और कम्प्लीटली चेंज दिस सिनेरियो। यस, अगर हम कंपेयर करें काफी सारे अल्फा ब्लॉकर्स में से साइलोडोसिन का सबसे ज्यादा रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन का रेट्स है, उन्हीं में से एक होता है एल्फ्यूजोसिन जिसका सबसे कम माना जाता है। तभी यंगर पेशेंट्स में, इट डजंट मीन दैट कि ऑलवेज यंगर पेशेंट्स में, इवन एल्डरली ऑल्सो हु आर सेक्सुअली एक्टिव उनको भी हम एल्फ्यूजोसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एल्फ्यूजोसिन में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन नहीं होता, कुछ पेशेंट उसमें भी कंप्लेन करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू साइलोडोसिन एंड टैम्सुलोसिन एल्फ्यूजोसिन में कम होता है रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन। सो दैट इज एन ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू ट्राई टू प्रिजर्व योर इजैक्युलेशन, बट दैट्स नॉट 100% दैट यस देर विल बी नो रेट्रोग्रेड इजैक्युलेशन, चांसेस आर लेस। एंड अनदर क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर प्रसाद, After urination, urine dribbling in undergarments in a gentleman, can this be treated by medicines या ज़्यादातर surgical treatment होगा? Can I know his age? उनका age के बारे में कुछ पता चल सकता है क्या? क्योंकि उसके बताते हैं yes। Right, क्योंकि सर अगर तो elderly males हैं तो हमें prostate की तरफ evaluate करना पड़ता है, और else अगर younger patients हैं तो dribbling के एक दो और भी factors होते हैं, but mostly dribbling is related to obstruction। या सेकेंड हो सकता है कि कुछ न्यूरोजेनिक कॉज है जिसमें हमारे जो यूरिन कंट्रोलिंग के लिए जो स्फिंक्टर या जो मसल्स होते हैं वो लूज रहते हैं जिसकी वजह से यूरिन रोक नहीं पाते। सो दीज मे बी वन और टू रीजंस, बट हमें पहले एज भी जाननी जरूरी है और साथ में उनके और बाकी इश्यूज क्या है अदर देन दिस जस्ट ड्रिबलिंग। और एक ड्रिबलिंग का एक काफी कॉमन हमारे पास यंग मेल्स आते हैं, और इवन नॉट यंग मेल्स, पर्टिकुलरली कुछ हमारे अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो जैसे हमारे सिख हो गए या मुस्लिम्स हो गए जिनको रेगुलर गुरुद्वारे में झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, नमाज पढ़नी पड़ती है, तो उनके लिए कई बार ये दिक्कत होती है उनको, या वो उसको पाक नहीं मानते, मतलब शुभ नहीं मानते हैं, तो इसलिए उनका आना जाना भी ऐसे रिलीजियस प्लेसेस में कई बार कम हो जाता है या बंद कर देते हैं। तो हमें फिर उनको भी देखना पड़ता है कि ये क्या वजह है, क्यों ये ड्रिबलिंग हो रही है, और कभी कभार एग्जैजरेटेड भी होता है। कई बार क्या होता है जैसे मेल्स हैं उनका एक यूरेथ्रा का एक सेट लेंथ होती है विच इज अराउंड से अराउंड 20-25 सेंटीमीटर, तो उसके अंदर जब हम यूरिन एक बार पास करते हैं तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरिन स्टेज बिहाइंड, तो बाद में आफ्टर पासिंग यूरिन थोड़ा बहुत यूरिन जो है वो यूरेथ्रा से फिर भी दो चार ड्रॉप्स ट्रिकल करता है, सबका होता है, दैट इज फिजियोलॉजिकल, दैट इज वेरी नॉर्मल, जो सबके साथ अक्सर होता है, तो उसको हम कभी भी उसको बीमारी नहीं मानते या उसको हम गलत नहीं मानते कि वो कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है, दैट इज जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस जो कि एक आम पाया जाता है, इसलिए उसको कभी भी बीमारी ना माने। बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स इसको गलत मानते हैं या सोचते हैं कि वो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें फिर उनको, हम सारे टेस्ट भी कर लेते हैं, इवेल्युएट भी कर लेते हैं, बट कहीं कुछ सामने आता तो हमें फिर उनको ये चीज कन्वे भी करनी पड़ती है, तो इसलिए यस हमें एक बार ड्रिबलिंग का तो कोई रीजन कई बार हमें खोजना पड़ता है। एंड एक और क्वेश्चन रेशमा जी का एक्नॉलेज करते हैं, मैडम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। इन्होंने पूछा है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एटॉनिक ब्लैडर, तो ये तो अलग से एक इतना बड़ा टॉपिक है डॉक्टर रोहित विल एग्री इट विल टेक मोर देन एन आवर एक्चुअली। आज हमारी ओपीडी में एक पेशेंट थे टाइप 1 डायबिटीज विद एटॉनिक ब्लैडर एंड इट एक्चुअली कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो वी अंडरस्टैंड रेशमा जी क्वेश्चन पूछ रही हैं किसी नजदीकी अजीज के लिए पूछ रही होंगी, but we cannot do justice to this question in 2 or 3 minutes, it will take more than an hour actually to explain. Yes, it will take time. And we have a few more questions. Food habits in moderation, Prasad ji, to increase creatinine levels, I think moderation would be what we would recommend. Dr. Rohit, aise kidney wale patients kitne aate hain jo let us say log gym jana shuru karte hain, 2 grams protein per day, 3 grams protein per day, 20 eggs per day, ऐसे वाले मरीज आते हैं यूरोलॉजी क्लिनिक में? Yes, yes, recently sir, over the last few years, this lifestyle has really affected younger generation, particularly those who are using these supplements, particularly high protein diet, excessively high protein diet,
that are causing these serious side effects. They are damaging their kidneys. They are facing such issues jahan par they develop these sort of problems. किडनी फंक्शन इज कॉम्प्रोमाइज, क्रिएटिनिन लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, इवन दे ऑल्सो स्टीरॉइड्स पे आ जाते हैं कई ऐसे. सो दीज ऑल आर समथिंग विच इज अलार्मिंग एंड डेंजरस ऑल्सो. सो आई वुड रिक्वेस्ट रैदर थ्रू दिस शो दैट कि आप सेफ रहिए, इन चीज़ों को बड़ा ध्यान दीजिए. हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस सप्लीमेंट्स एक्चुअली आर डेंजरस अगर आपने हाइड्रेशन भी कम रखा हुआ है. तो इसके लिए आपको रैदर आई वुड सजेस्ट कि आप कभी भी नॉर्मल से एक्सेस प्रोटीन में ना जाएं, बिकॉज हमारे लिए इट्स नॉट ऑलवेज दैट आई हैव टू शो माय बॉडी एवरीवेयर कि मुझे एक हट्टा कट्टा ये ना, आई हैव टू स्टे हेल्दी बेसिकली. और इस लालच से या सो कॉल्ड रैट रेस में कई आ जाते हैं कि हाँ उसकी बॉडी इतनी अच्छी है मैं भी बनाऊंगा, उसमें वो फंस भी जाते हैं एंड रियली कई बार उसका वेरी डेंजरस आउटकम्स भी होते हैं. तो इसलिए बैलेंस डाइट लेनी जरूरी है. एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, नॉट जस्ट प्रोटीन, बट वही है कि प्रोटीन के भी हमें बहुत चीजें ऐसी हैं जिसको हमें संभल के लेना पड़ता है. तो यस, अभी आजकल के टाइम में लॉट मेनी यंग मेल्स आर फेसिंग दीज इश्यूज. एंड व्हाट वी वुड रिक्वेस्ट अगेन इज मॉडरेशन, हर तरह से बीच वाला रास्ता, भगवान बुझ वाला रास्ता. टू मच ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो हार्मफुल, जस्ट लाइक टू लिटिल प्रोटीन वुड बी हार्मफुल. यस, मिसेस मंथन को दिक्कत है फ्रीक्वेंटली, उनको यूरेट्रिक कॉलिक होता है, उनका स्टोन है 4 to 6 millimeter साइज. तो मिस्टर मंथन साहब पूछ रहे हैं हम फर्स्ट लाइन मेडिसिन दवाई के लिए कौन सी रखें घर पे जब तक हम मेडिकल एडवाइस ना सीख करें. सो पेन ही दो है, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट, बिकॉज घर पे अगर कोई है और उनको कोलिक हो रहा है, मीन कोलिक मीन्स पेन, तो हमें पेन ही से बचना है. तो अगर हम अगर उनका रीनल फंक्शन ठीक है, क्रिएटिनिन नॉर्मल रहता है, तो ऑलवेज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक, एंड उसके साथ एक कॉम्बिनेशन में ड्रोटावरिन आता है. सो कई सारे सॉल्ट्स आते हैं, कई सारे कंपनीज के आते हैं. सो ड्रोटावरिन विद एसिक्लोफेनेक इज यूजली आप अगर चाहो तो घर पे रख सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड सेल्फ ट्रीटमेंट पे कभी ना जाएं, कभी भी अपने आप से खुद दवाइयां ना लें. पेन किलर्स तो कभी ना लें, बिकॉज वंस और ट्वाइस तक तो ठीक है, बट रेगुलर पेन किलर्स अगेन आपकी किडनीज को बचाने के बजाय किडनीज खराब कर सकते हैं. तो कभी हो तो इमरजेंसी के लिए आप कभी एक बार एक टैबलेट ले सकते हैं, बट यस बी श्योर दैट यू शुड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट एंड देन ऑन देयर एडवाइस यू शुड गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट. शीतल जी का भी क्वेश्चन एक्नॉलेज करते हैं जो ब्लैडर डिजीज से लिंक्ड है, और ये भी जैसे रेशमा मैडम को कहा ये इतना लंबा टॉपिक है, वी विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस. जो आप सवाल पूछ रही हैं, भांजी की तबीयत नहीं ठीक चल रही, अलाउ करें कि दोबारा किसी और शो में ब्लैडर डिजीज के बारे में डॉक्टर रोहित को रिक्वेस्ट करेंगे. मंथन जी का आंसर हो गया, एंड 55 ईयर एज थी जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोस्टेट होगा ज्यादातर ड्रिबलिंग वाले पेशेंट में. हाँ, तो सर्जिकल इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड मोस्ट प्रॉब्ली अगर इतना तंग हो रहे हैं तो. मोहम्मद आरिफ साहब को सलाम. एंड एक क्वेश्चन आता है एसके गर्ग वेलनेस जी से, दैट इज योगा, पेल्विक योगा, इज दिस यूजफुल फॉर यूरिनरी प्रॉब्लम्स. योगा, अब योगा में तो बहुत सारे आसन होते हैं. अब स्पेसिफिकली अगर हम पेल्विक वाला बोलते हैं, यस पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोलते हैं या कीगल्स एक्सरसाइज बोलते हैं, ये एक तरीका है जो यूरिन को हम कंट्रोलिंग, अपने जो यूरिन को रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए. कुछ लोगों में यूरिन वो रोक ही नहीं पाते हैं, एकदम से वो यूरिन निकल जाता है. तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जो मसल्स है, पेल्विक फ्लोर मसल्स या मांसपेशियां जो पेशाब रोकती हैं, वो उनके कमजोर हो चुकी होती हैं. तो उनको ताकत देने के लिए ये यस एक योगा, हम इसको मूलबंध बोलते हैं. योगा में एक तरीका होता है जिसको मूलबंध बोला जाता है. तो उसका हम अगर मेडिकल टर्म्स में बोले तो कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है, वो इन मांसपेशियों को ताकत देने के लिए होता है. तो हमारा जिनका नियंत्रण पेशाब में नहीं हो पाता, रोकना काफी मुश्किल होता है, जैसे कोई भी झटका लगा, खांस लिया, छींक लिया, तो एकदम से कई बार पेशाब छूट जाता है क्योंकि पेट पे वजन पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यूरिन निकल जाता है. तो उसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं मेडिकल टर्म में. तो वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें यस इनका योग का काफी फायदा है, या अगर हम मेडिकल टर्म्स में हम जिनको योग बोलते हैं, तो कीगल एक्सरसाइज जो हम रेगुलर करवाते हैं पेशेंट्स को, तो ओवर द स्पैन ऑफ टाइम 2-4 महीने में पेशेंट्स को फर्क भी पड़ना शुरू होता है. बट यस, ये जरूरी है कि ये एकदम से फायदा नहीं देगा कि हमने 1-2 दिन में ही फर्क महसूस करें. दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और लंबे समय में उसका फिर फर्क भी पड़ता है. तो यूरिन कंट्रोल करने का तरीका एक उनमें से योगा ये है बेशक. थैंक यू.
जो क्वेश्चन है डॉक्टर पवार सर का, मेरा बैकग्राउंड अगेन सर रिक्वेस्ट करेंगे, ब्लैडर डिजीज इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, सो मेरा बैकग्राउंड वी कैन टेक सेपरेटली, बिकॉज इन ब्लैडर डिजीजेस में सर क्या होता है कि 180 डिग्री ऑपोजिट डायग्नोसिस होता है, तो अगर आप तुक्के से दवाई दें यू एक्चुअली माइट एंड अप हार्मिंग द पेशेंट, सो ब्लैडर डिजीज इन जनरल शुड नॉट बी ट्रीटेड विदाउट डूइंग द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. तुक्का एक शो करना पड़ेगा मुझे लग रहा है आपके साथ. यस. एंड एक क्वेश्चन, वील जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन. दोनों किडनी नॉर्मल भानु प्रताप, आई थिंक रीनल रिप्लेसमेंट चाहिए सूनर या लेटर, तो डिले ना करें इसको, क्योंकि रीनल रिप्लेसमेंट की तैयारी करने के लिए भी ना भानु एक साल लग जाता है, तो आप ऐसे लटकाते रहोगे, मतलब एक फिस्चुला बनेगा, हेपेटाइटिस के डबल टीके लगेंगे, ये सब चीजें अभी शुरू कर दो जो आपको डॉक्टर कह रहे हैं, जो ऑलरेडी कह चुके हैं, लेट मत करो. इनफैक्ट आपने जैसे 29 साल एज बोली और डॉक्टर रोहित ने 28 या 27 गेस की थी, यदि एक साल जल्दी शायद वो पीवीआर वाली सर्जरी हो जाती, थिंग्स माइट हैव बीन डिफरेंट, बट नाउ वी कांट चेंज. उस टाइम पे देखो तकनीक अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर बहुत कम थे, यूरोलॉजिस्ट गिने चुने थे, उंगलियों पे गिन सकते थे 1990s में कितने यूरोलॉजिस्ट थे कंट्री में, तो इलाज फिर भी किया गया, बट अब आज की तारीख में वी शुड नॉट डिले भानो. तो मतलब जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है फॉर गेटिंग द फिस्चुला, फॉर गेटिंग योर हेपेटाइटिस इंजेक्शंस एंड ऑल्सो ट्रांसप्लांट में अपना नाम लिखवाने के लिए, वो कल जरूर करवाएं, परसों तक भी वेट ना करें. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं डॉक्टर रोहित, जो आपने हमें लास्ट टाइम समझाया भी था, पर डॉक्टर रेशमा दोबारा पूछती हैं, व्हाई इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिंस यूजुअली नीडेड फॉर बीपीएच, टैम्सुलोसिन एंड ड्यूटास्टेराइड, ये शौकिया तौर पे हम दो देते हैं या बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट एक्शंस? नहीं सर, शौकिया तो कुछ भी नहीं है, बेसिकली दोनों के अलग रोल है, दोनों का अलग काम है. टैम्सुलोसिन जो है ये अल्फा ब्लॉकर ग्रुप में होता है और इसका जो काम है वो ये है, यूरिन का जो फ्लो है, जो प्रेशर है प्रोस्टेट की वजह से जो रुकावट हो रहा है उसको कम करना, तो जो हमारा प्रोस्टेट के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो टैम्सुलोसिन से कई बार रिलीव हो जाते हैं, तो ये बेसिकली फ्लो बढ़ाता है क्योंकि ब्लैडर को, ब्लैडर के नेक को रिलैक्स करता है, जिस हिस्से में प्रोस्टेट होता है उसको थोड़ा सा जगह बना देता है ताकि यूरिन आसानी से पास हो सके, तो वो टैम्सुलोसिन का रोल है. ड्यूटास्टेराइड उसके साथ भी दिया जाता है, उसका एक अलग कारण है, वो ड्यूटास्टेराइड एक मेडिसिन है जिसको हम 5-alpha reductase बोलते हैं, 5-alpha reductase inhibitor, तो ये क्या करता है, ये प्रोस्टेट के साइज में थोड़ा सा फर्क लाता है विद टाइम, जैसे 6 महीने साल में हम इनको जब लगातार देते हैं तो जिनका साइज काफी बड़ा है, अब बड़े की भी डेफिनेशन होती है, ज्यादातर हम 50 grams+ को बड़ा मानते हैं, तो जिनका बड़ा प्रोस्टेट साइज है उसमें हम ये ड्यूटास्टेराइड ऐड कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे प्रोस्टेट के साइज को भी कम कर सके, तो बहुत बार वो अल्ट्रासाउंड जब हम बाद में 6 महीने साल में कराते हैं तो उनका साइज में फर्क आ जाता है, कम हो जाता है साइज, तो ड्यूटास्टेराइड का रोल वहां है. ड्यूटास्टेराइड कभी इमीडिएटली फ्लो को इम्प्रूव नहीं करेगा, यस ओवर द लॉन्ग टाइम ड्यूटास्टेराइड से भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, बट इमीडिएट रिलीफ के लिए हमें जब भी होगा, अगर हमें ब्लैडर नेक को ही रिलैक्स करना है तो हमें टैम्सुलोसिन देना पड़ता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन भी आते हैं, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि किसको कॉम्बिनेशन देना है, किसको मोनोथेरेपी, सिंगल थेरेपी देनी है. थैंक यू सो मच सर, और खूब सारे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, पर सबसे फिर रिक्वेस्ट रहेगी, आज का हमारा टॉपिक था किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट पे डॉक्टर साहब पहले ही बात कर चुके हैं 2 महीने पहले हमसे, तो वी रिक्वेस्ट यू जस्ट फाइंड दैट वीडियो, एंड सारे जो सवाल हैं जैसे राकेश चिंतन जी भी पूछ रहे हैं ये सब आंसर दिए हुए हैं, और ब्लैडर पे वाकई हमें एक और शो चाहिए होगा डॉक्टर रोहित. राइट सर. वी हैव बतूल विद अस बैकस्टेज टुडे, सो बतूल एक तो एनीथिंग न्यू दैट यू लर्न टुडे? सर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई हैव लर्न टुडे, किस तरीके से हमारे पूरे सिस्टम में स्पेशली हमारे यूरिनरी सिस्टम को किस तरीके से हम लोगों को टेक केयर करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सर का जो सर ने हमें बताया, हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे कैसे हमें ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हमें हमारे एक्सपर्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए जैसे ही कोई इशू हमें देखने को मिलता है. लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा था रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, विच इज़ कि बहुत टाइम क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है विच इज़ UTI, तो उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इज इट सो Okay, that is because like you were talking about 2 stones, obstructive stone and non-obstructive stone. So is it because ki wo obstructive stone ki wajah se bhi wo symptoms dekhne ko mil sakte hain kisi ke body mein aisa hai ki UTI is similar to, it is indicating towards kidney stone, is it so? Yes, yes, yes. Generally obstructive stones hi hote hain, jahan bhi urine mein rukawat hogi, stasis hoga. That is one of the nidus, that is source of infection. Wo infection ka ek khatra bada deta hai.
तो उसी में से ऑब्स्ट्रक्शन जहां स्टोन होता है करता है तभी इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब वो ना तो इन्फेक्शन करते हैं, ना कभी पेन करते हैं और ना किडनी को डैमेज करते हैं। पर जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन एक बार कर दे तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं उनमें से। यस, व्हाट द योर क्वेरी वाज कि इन्फेक्शन भी उसमें से एक रीजन हो सकता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। बट अगेन यूटीआई इज अ वेरी बिग चैप्टर, यूटीआई में बहुत सारे सिम्टम्स एंड बहुत सारे और इश्यूज भी होते हैं। बट अगर हम स्टोन को हम यूटीआई से लेबल कर सकते हैं, यस देयर इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन कॉजिंग यूटीआई आल्सो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन। And if Bethul, we could show a certificate of appreciation for Dr. Rohit. Thank you so much, Dr. Rohit. Thank you, sir. Thank you. As always, it's great being with you. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। किडनी स्टोन्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो सेहत के लिए भी किडनी स्टोन से बच के रहना चाहिए, पर दूसरा बड़ा सारा पंजाबी लिटरेचर और भोजपुरी लिटरेचर, पंजाबी गाने भोजपुरी गाने किडनी स्टोन पे बनाए गए हैं, और बल्कि एक भोजपुरी सिंगर है जो गाते हैं अगर तू अपना दिल नहीं दे सकते मेरे को तो अपना किडनी दे दे कम से कम मैं राजा बन जाऊं। तो यहाँ तक की पोएट्री होती है हमारे सिंगर्स की। उन गाना सुन लेना भोजपुरी वाला, पर उनका कहना मत मानना। Before we conclude, any last message for everybody, urology से related और kidney stone से related? Sir, primarily मेरा तो यही कहना रहेगा कि safe kidneys is always very important and healthy kidneys particularly. और जैसे हमें अगर बाकी बीमारियों पे ध्यान देना है, शुगर, ब्लड प्रेशर जो कि किडनी को इफेक्ट करते हैं, उनमें से एक ये किडनी स्टोन्स है। मेरे पास ऐसे अनगिनत पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने लापरवाही की, जिन्होंने नज़रअंदाजगी की, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो ज़्यादातर बीमारी को बहुत ही हल्के तौर पे जिन्होंने रखा और कभी कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन में चले गए, कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आ गए, और उनको ये नहीं पता चला कि वो अपनी सेहत या अपनी किडनी के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जब भी कोई स्टोन का पेशेंट आएगा तो हमें उसका ऑपरेशन ही करना है, पर जहां ऑपरेशन की जरूरत है वहां हमें दूसरी तरफ कभी नहीं बढ़ना चाहिए। देसी दवाइयां या होम्योपैथिक दवाइयां बेशक कई बार कारगर होती हैं, कई बार फायदेमंद होती हैं, पर डिसीजन हमें ये लेना पड़ेगा कि कौन से लिमिट तक, कहाँ तक ये दवाइयों का फायदा है। बहुत बार पेशेंट जब हमारे पास ऐसे आते हैं उनकी किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है, अंदर पस या इन्फेक्शन बन जाता है, और अक्सर ऐसे भी होते हैं जिनको हम उनकी किडनी को बचा भी नहीं सकते। तो हमें दुख इस बात का होता है कि यही पेशेंट अगर साल दो साल पहले हमारे पास आया होता और इन चीजों से ना गुमराह होता या गलत रास्ते पे ना चलता तो शायद वो किडनी हम बचा भी पाते और सेफ भी रख पाते, उसके आगे आने वाले टाइम के लिए ये चीजें कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स में वो नहीं आता। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, स्टोन की प्रॉब्लम कभी भी अगर है, नो डाउट ऐसा नहीं है कि आपको यूरोलॉजिस्ट हमेशा सर्जरी की ही सलाह देंगे, पर अगर वाकई में सर्जरी की जरूरत है तो उससे दूर ना भागें, डरे ना। ये ऑपरेशन कभी भी खतरनाक ऐसे नहीं होते जिसमें हमें डरने की जरूरत पड़े। आज के टाइम पे ये सर्जरीज इतनी सेफ हो गई हैं कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर घर भी भेज देते हैं पेशेंट्स को, और उनके कॉम्प्लिकेशन या रिस्क भी बहुत कम है। पर हमें कभी भी इन खतरों को नहीं मोल लेना चाहिए जहां पर हम अपनी किडनी से हाथ धो बैठे। इसलिए हमेशा आप हमें जब भी ऐसी कभी प्रॉब्लम हो तो एक बार यूरोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रोहित, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारा शो, और फिर अगले सोमवार फिर आपको मिलता हूँ। थारा भला हो डॉक्टर रोहित, एंड जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।